जौनपुर जिला के साहगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरस के कन्या प्राथमिक विद्यालय में राजकीय महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के चल रहे विशेष शिविर के चौथे दिन प्रधान के नेतृत्व में रैली निकाली गई। आपको बता दें कि इस रैली का शुभारंभ प्रधान श्रीमती सुधा यादव और कन्या प्राथमिक नवी पाठशाला के प्रधानाचार्य नेमचंद ने मिलकर हरी झंडी दी और प्रधान जी ने पूरे गांव में रैली में बच्चियों के साथ साथ उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि यह रैली पूरे गांव में घूमते हुए पूरे गांव के लोगों को जागरूक किया और सभी को स्वच्छ सुरेश और स्वस्थ सुरेश सुंदर सुरेश का नारा भी दिया कि आप सब अपने गांव को स्वच्छ रखें, स्वच्छ रहने से गांव के लोग स्वस्थ होंगे और गांव सुंदर भी दिखेगा। आपको बता दें कि इसी के अगले क्रम बौद्धिक कार्यक्रम में संदीप कुमार यादव विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र राजकीय महिला महाविद्यालय सागर ने जौनपुर ने संविधान के प्रस्तावना विषय पर स्वयंसेविकाओं से संवाद किया। संविधान निर्माण के अधिकारों को जानने और समाज में उसका उपयोग करने कहा। उन्होंने स्वयंसेविकाओं को उज्ज्वल भविष्य की कामना की, जागरूक रहने के लिए सजग किया। डॉक्टर अखिलेश कुमार ने उपस्थित का स्वागत किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। डॉक्टर रवि प्रकाश ने फोटो देकर आज के मुख्य वक्ता का स्वागत किया। स्वयंसेविकाओं ने महिमा रोशनी गुप्ता कोमल अग्रणी कविता यादव योगी तिवारी दीक्षा यादव अजीम फातिमा नाजरी निधि मौर्य पूर्णिमा काजल गुप्ता स्वरूप यादव पूनम संगम यादव अवंतिका ग्रहरी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर श्री नेम चंद्र रजनीश कुमार यादव संतोष कुमार यादव अनुराग यादव कंचन यादव सहित विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।